हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अभी दोस्तों सडनली कुछ दिनों की बात है, मैं यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पर मेरे सामने एक क्लिप आई मूवी की जो कि है मैजिक रोबोट। वहाँ पर आपको पता होगा एक कार होती है जो कि रोबोट भी बन जाती है, कार भी बन जाती है, वो जरूरत के हिसाब से चेंज होती है। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूट्यूब से हटाकर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जाकर सर्च किया तो आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ मुझे क्या मिला वहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, मुझे वहाँ पर मिली ये वाली एक मैजिक रोबोट कार। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कार है, 1700 रुपये के अंदर मात्र मैंने उसको परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से। ये दोस्तों कार भी बन जाती है एंड रोबोट भी बन जाता है, मतलब 2 in 1, 8 रोबोट भी है 8 कार भी है। यहाँ पर देख सकते हैं चेंज होती है बिल्कुल ये। एंड यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है 1 key डिफॉर्मेशन, मतलब एक ही की के अंदर पूरी डिफॉर्मेशन हो जाती है कार से रोबोट एंड रोबोट से कार के अंदर। आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कार कैसे लगी। तो फिर चलिए सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग एंड फिर इसको सब कुछ यहाँ पर ट्राई करते हैं। हम लोग एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करके भी देख लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट किस तरह का देखने को मिलता है आखिरकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक सा रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर कम फंक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एक वाटर नोजल देखने को मिलती है जो कि इसके अंदर पानी वगैरह फिलअप करने के काम आएगी। एंड साथ ही साथ एक इसकी यहाँ पर चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। एट द एंड हमारी जो मेन रोबोट कार है वो देखने को मिलती है जो कि रेड एंड ब्लैक लुक में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी की गई है एंड यहाँ पर ऊपर एक सक्शन दिया गया वाटर वगैरह डालने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके पीछे की तरफ स्मोकी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी इस अनबॉक्सिंग को खत्म करते हैं, इसकी डायरेक्ट टेस्टिंग को यहाँ पर शुरू करते हैं। हम इसको फर्श पे लेके आ चुके हैं, अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये रोबोट में कन्वर्ट होता है। इस सारे बटन को मैं प्रेस करता हूँ, जैसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक रोबोट के अंदर कंट्रोल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए ये किस तरह से घूम रहा है पूरा रोबोट यहाँ पर। एंड अगर हम इसको आगे पीछे ऐसे देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से भाग रहा है ये रोबोट। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं इसके ऐसे घुमाता हूँ, देखिए ये कितनी ज़्यादा स्पीड में आप देख सकते हैं दोस्तों घूम रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को यहाँ पर ये। अभी ऐसा करते हैं हम इसको कार में वापस से कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक सिंगल प्रेस बटन को यहाँ पर इसको होल्ड करके रखता हूँ, तो देखिए ये कार में कन्वर्ट भी हो चुका है। अब इस कार को घुमाते हैं, देखिए ये कार बैक जो यहाँ पर फ्लिक पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पर करती है, देखिए अभी देखिए दोस्तों इसने अपने टॉप स्पीड पकड़ लिए एंड काफ़ी फास्ट घूम रही है यहाँ पर। हम लोग ट्राई करते हैं इसको यहाँ पर मेन रोड पर चलाने की, मुझे लगता तो नहीं है चलेगी, वैसे हम ट्राई करेंगे। एंड अगर चल गई तो इसके साथ इसको कंपेयर भी करने वाले हैं। इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमने डाली हुई है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है, ये भी एक स्टंट कार है। तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कितनी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है। तो अभी दोस्तों हम इसको यहाँ पर मेन रोड के ऊपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्टिंग में काफ़ी अच्छे से ये गाड़ी चल रही है, मुझे लगा नहीं था क्योंकि इसके जो नीचे का जो सरफेस एरिया था वो काफ़ी लो था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ कंकड़ वगैरह अटकेंगे जिसकी वजह से आगे की लड़क नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से परफॉर्म कर रही थी। तो अभी यहाँ पर एक सिंपल एक टेस्टिंग भी शुरू कर देते हैं दोनों की, यहाँ पर दोनों में वर्सेस करा के भी देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं दोनों गाड़ियों को हमने यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर इसका दोनों के एक्सीलेटर को प्रेस किया था, लेकिन हमारी जो यहाँ पर 8 tires वाली गाड़ी है वो काफ़ी ईजी तरीके से इसको यहाँ पर पीछे की तरफ छोड़ चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पर दोनों में वर्सेस कराते हैं, हमने दोनों को पीछे से रस्सी से बांध दिया, सेम पोजिशन से बांधा था कि को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिले। तो अभी देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो यहाँ पर 8 tire वाली गाड़ी है वो बिल्कुल इजीली इसको लेके जा रही थी, बट यहाँ पर आके फाइनली इसने अपना पावर दिखाया रोबोट कार ने। एंड अभी यहाँ पर देखिए ये वो गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही है, मैंने पूरा यहाँ पर इसका जो थ्रोटल है पूरा 100% किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी वहाँ पर चली है एंड अभी भी गाड़ी स्टिल इसको पकड़ के रखी है, जबकि उसके 8 tires है, 8 grips मिल रही है इसको, सिर्फ 2 यहाँ पर 4 tires है, यहाँ पर मतलब 4 tires की ग्रिप मिल रही है एंड उसको 8 tires की ग्रिप देखने को मिल रही है। फिर भी दोस्तों हमारी ये छोटी सी रोबोट कार अभी तक तो विनर रही है। अभी दोस्तों देखते हैं हमारा क्या ये रोबोट इस कार को हरा पाएगा। तो इसको सबसे पहले रोबोट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फिर देखेंगे क्या रोबोट इस कार को ईजिली हरा पाएगा या फिर रोबोट यहाँ पर बिल्कुल भी लूजर रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दोनों के मैं थ्रोटल को 100% कर रहा हूँ, ये स्टार्ट देख सकते हैं दोस्तों रोबोट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पावर लगा रहा है अपने हाथों की मदद से, भी ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है बट फिर भी यहाँ पर आगे नहीं जा पा रहा है। अब उस गाड़ी के नीचे कुछ वायर्स आ गए हैं लाइट्स के, जिसके कारण वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन रोबोट भी अपनी पूरी इनिशियल पोजीशन ले चुका है। एंड देखिए दोस्तों फाइनली रोबोट को इसने नीचे गिरा दिया बुरी तरीके से। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने की ट्राई करी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं आप लोगों को मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टेड से नेक्स्ट वाली गैजेट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।